हम यहाँ के गया में मौजूद हैं और सुबह से ही लोग मतदान कर रहे हैं। हम अपने यहाँ पर जो मतदाता उनसे बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप लोग वोटिंग कर रहे हैं इस बार? हम लोग विकास के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, जो हमें सुरक्षित रख सके, इस देश को सुरक्षित रख सके, जो राष्ट्र के हित में कार्य कर रहा हो, हम उस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। हम पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट देखा है, हम ये गया जी की धरती है, भगवान विष्णु की धरा है। यहाँ पे हम लोग पहले, आज के 10 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि इतनी संख्या में यहाँ पे यात्री आते हैं। पहले भी आते थे लेकिन वो डरे डरे रहते थे। आज भारत के हर कोने से, विश्व के हर कोने से हिंदुत्व के अलख को जगाते हुए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और उनके आने के बाद जो पहले का फीडबैक था और आज के फीडबैक में बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग उस राष्ट्र हित में कार्य करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आपने चाची वोट किया है, किनको वोट, क्या किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? हम मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा हो। और क्या क्या किया? और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपने वोटिंग किया है? हमने वोटिंग किया अपने देश के लिए कि कहीं ये अफगानिस्तान ना बन जाए, कि लोग हवाई जहाज में लटक कर चलना पड़े, इसलिए कि देश की सुरक्षा हो। बिल्कुल, अफगानिस्तान नहीं बनना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। इस बार गया में क्या मुद्दे थे जो पिछली बार और इस बार में आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? कुल मिलाकर मेरा मुद्दा हिंदुत्व का है, हिंदुत्व के प्रति सोचना और देश का विकास करना। आज से 10 भैया जैसा बोले, आज से 10 पहले यहाँ जंगल राज से, जब से मोदी जी आए जंगल राज खत्म हो गया, जीने का एक बेस मिला और हर वर्ग को एक बढ़ने का, एजुकेशन का हर तरह से एक बढ़ने का फीडबैक मिला। कुछ लोग और भी हमसे बात करते हैं। आपने वोटिंग किया है, क्या थे इस बार मुद्दे जो गया के, क्या विकास को लेकर क्या था कि गया में जो हुआ अभी तक नहीं हो पाया या होना वाला है, क्या मुद्दे हैं? अब ठीक है, क्या लगता है? अब तो होगा ही।